ऑटोकैड ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम ऑटोकैड के यूज़र इंटरफेस के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ऑटोकैड का होम पेज खुल के आता है। अब सबसे पहले हम सीखेंगे कि इसमें टेम्पलेट को ओपन और क्लोज़ कैसे करा जाता है। तो लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर हमारे पास आता है एक रेड कलर का ए बड़ा ए साइन, जो कि मेन्यू ओपन करने के लिए होता है। जब आप यहाँ पे हम एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसका मेन्यू खुल के आता है। सो सबसे इसमें नीचे ऑप्शन आता है क्लोज़। क्लोज़ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो टेम्पलेट है वो क्लोज्ड हो जाती है और इस टाइप का एक मैं होम पेज बन के आता है। जब हम यहाँ पे ऑप्शन आता है सबसे पहले न्यू ओपन और यहाँ से शीट सेट मैनेजर। न्यू का यूज़ करते हैं जब हमें कोई नई ड्राइंग बनानी हो अपने लिए। इसमें क्या है, नई टेम्पलेट खोलते हैं और उसमें आगे हम ड्राइंग्स बनाते हैं। ओपन में जब हम एक एग्जिस्टिंग ड्राइंग कोई ड्राइंग को बना लेते हैं फिर उसको सेव कर लेते हैं, वहाँ से उसको दोबारा से खोलने के लिए हम ओपन का यूज़ करते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, न्यू और उसके बाद आती है हमारे पास टेम्पलेट्स। ऑटोकैड में कुछ टेम्पलेट्स होते हैं जो प्री डिफाइंड होती हैं, जो ऑटोकैड में बाई डिफ़ॉल्ट आती हैं, जो कि ये टेम्पलेट का बॉक्स खुल के आता है। जिन पे 3D लिखा हुआ है वो 3D बनाने के काम आती है। जैसे कि सब पे लिखा हुआ है 3D.DWT, ऑटोकैड नेम प्लॉट स्टाइल। जो 2D के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं वो आती है सबसे पहले ऑटोकैड .DWT, उसके बाद आती है ऑटोकैड .ISO.DWT। ये क्या होती है कि ISO स्टैंडर्ड के हिसाब से बनी होती है, तो इसी को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ओपन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह हमारे पास ऑटोकैड में टेम्पलेट्स ओपन होती हैं। अब हम जब इसमें सबसे ऊपर आता है हमारे पास रिबन मेन्यू। इस मेन्यू में आता है हमारे पास होम, इंसर्ट, एनोटेट, लेआउट, इस टाइप के ऑप्शंस आते हैं। इसमें नीचे आते हैं ये सबसे पहले ड्राइंग्स के लिए ड्रॉ, जिसमें हम लाइन सर्कल्स को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद मॉडिफाई, लेयर्स और एनोटेशंस, ये एक्सेट्रा आगे आते हैं। अब नीचे हमारे पास इसके आता है वर्क स्पेस, जिसमें कि हम अपनी ड्राइंग्स को बनाते हैं। उसके नीचे यहाँ पे आता है कमांड प्रॉम्प्ट, जिसमें कि हम अपनी कमांड को टाइप करते हैं। जैसे कि मैं इसमें टाइप कर सकता हूँ, क्लिक करा इसके अंदर और टाइप कर सकते हैं लाइन कमांड के लिए LINE, तो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे लाइन कमांड। यहाँ से कर देना है इसको एस्केप। अब इसके नीचे जो आते हैं हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, इसको कहते हैं एप्लीकेशन स्टेटस बार। जब हम ड्राइंग्स को बनाते हैं तो यहाँ पे ये हमारी ड्राइंग्स में हेल्प करते हैं उनको क्विकली बनाने के लिए, लेफ्ट साइड में। इसके बाद हम राइट साइड में जब जाते हैं नीचे, यहाँ पे आता है स्टेटस बार, जो कि हमारे पास जो ड्राइंग्स की सेटिंग्स हैं उसको चेंज करने के लिए काम आता है और उसको स्टेटस दिखाता है कि किस सेटिंग में अभी इस करंटली हमारी ड्राइंग है। ओके इसके बाद जब यहाँ पे हम आते हैं, ये हमारा होता है WCS, जिसको कि कहते हैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें हमारे पास व्यूज़ आते हैं, टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, उनको हम डिफाइन करने के लिए यहाँ से यूज़ करते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड जो है स्टैंडर्ड है। और उसके बाद जब लेफ्ट में हम बॉटम में आते हैं, यहाँ पे आता है एक्स और वाई, जिनको कहते हैं यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिनको कि अपने हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारे पास व्यूज़, यहाँ पे लिखा आता है कि व्यू कंट्रोल और यहाँ पे आता है विजुअल स्टाइल कंट्रोल। व्यू कंट्रोल में जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे पास व्यूज़ आते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, और उसके नीचे आते हैं साउथ वेस्ट, आइसोमेट्रिक। जो ऊपर के टॉप फ्रंट टॉप से लेके यहाँ तक बैक तक, ये 2D मोड के लिए होते हैं। इसके बाद आते हैं 3D, साउथ वेस्ट, आइसोमेट्रिक, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास व्यू मैनेजर में हम अपना डिफाइन कर सकते हैं। ओके इसके बाद आता है हमारे पास वायर फ्रेम। अब इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास आते हैं वायर फ्रेम, कॉन्सेप्चुअल, हिडन, शेडेड, इस तरह के। वायर फ्रेम में हम खाली एजेस को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं और रियलिस्टिक इनमें हमारे 3D ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को 3D में बनाते हैं, तो 3D में कैसे एक्चुअल दिखेगी वो इस बनाने के लिए दिखाने के लिए इसका यूज़ होता है।
जब ऊपर जाते हैं हमारे पास यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है फाइंड मेन्यू, कि कोई भी कमांड जो हमें सर्च करनी है वो यहाँ से हम टाइप कर सकते हैं और तो वहाँ से हमें वो मिल जाएगी। तो इस तरह हमारे पास जो है ऑटोकैड का यूज़र इंटरफेस आता है।